ई कल्याण की वेबसाइट पर दो बड़ी अपडेट आई है। अगर आपका भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त हो चुका है और आप फॉर्म को फाइनलाइज भी कर चुके हैं तो आपको मिलेगा इस प्रकार रिसीविंग, चाहे आप मैट्रिक पास आउट थे या इंटर पास आउट थे। तो छात्र फाइनलाइज कर चुके हैं, उनका एक स्टूडेंट लिस्ट किया गया अलग अलग, मैट्रिक पास आउट के लिए अलग एवं इंटर पास आउट के लिए अलग, जहाँ पर आपको चेक करना कि उस लिस्ट में अगर आपका नाम गया या नहीं गया है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका उस लिस्ट में नाम गया तो आपका कुछ ही दिनों के अंदर आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट चला आएगा। अगर आप फॉर्म को फाइनलाइज कर चुके हैं और आपका उस लिस्ट में नाम नहीं गया तो आपका पैसा आने की कोई संभावना नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अपने लिस्ट में नाम को चेकआउट कैसे करना है, एंड अगर आपका उस लिस्ट में नाम शो नहीं करता है और आप फॉर्म को फाइनलाइज कर चुके हैं तो आपका कैसे उस लिस्ट में नाम आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दो लिंक मिलेगा, पहला मैट्रिक का और दूसरा इंटर का। तो हम आपको दोनों का प्रोसेस बताएंगे। पहले मैट्रिक वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपके मार्कशीट पर होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इस छात्र का नाम यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप फॉर्म को फाइनलाइज कर चुके हैं और आपका यहाँ पर नाम शो कर रहा होगा तो आपका पेमेंट आने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही डीबीटी के माध्यम से सभी छात्रों का पेमेंट भेजा जाता है उस तरह से आपका भी पेमेंट भेजा जाएगा। आप निफिक्र हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हैं ये पेमेंट का लिस्ट है। तो इस तरह से अगर आपका इस लिस्ट में यहाँ पर नाम नहीं शो कर रहा होगा तो आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ। सिंपली आपको यहाँ से ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अपडेट आपको बताया जाता है कि सत्यापन के बाद यह आंशिक सूची है, नए छात्र विवरण स्वचालित रूप से जोड़े जाएंगे। यानी कि जिस तरह से छात्र फॉर्म को फाइनलाइज करते जाएंगे और उस तरह से उनका नाम यहाँ पर आता जाएगा। तो जो छात्र फॉर्म फाइनलाइज करेंगे उन्हीं का यहाँ पर नाम आएगा और जो छात्र फॉर्म फाइनलाइज नहीं करेंगे उनका नाम इस लिस्ट में शो नहीं करेगा। इंटर वाले लिंक पर क्लिक करके इस पेज पे आएंगे, उसके बाद वहाँ से नीचे आएंगे तो उसी तरह से सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर मैट्रिक इंटर दोनों का है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से यहाँ पर नाम आ जाएगा। अगर नाम नहीं आ रहा तो अपडेट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तुरंत आप किए होंगे फाइनलाइज तो आपका नाम नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूँ फाइनलाइज कैसे करना है, उस पर वीडियो बनाया जा चुकी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको फाइनलाइज कैसे करना है, आप अपने मोबाइल से मैट्रिक के ही या इंटर के छात्र हैं अपने आसानी तरीके से फॉर्म को फाइनलाइज कैसे करेंगे वो आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में बताई गई है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स बन रहे तो नीचे कमेंट कीजिए या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, जहां पर आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की। दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।